हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक के बारे में। HDFC बैंक और HDFC का मर्जर का न्यूज़ आया, उसके बाद जो स्टॉक है उसने 1722 के हाई भी बनाए, लेकिन उसके बाद जो भारी गिरावट हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, कंटिन्यूसली डे बाय डे ये गिरावट बढ़ती ही जा रही है। आगे क्या होगा? क्या ये जो सपोर्ट लेवल है वो भी तोड़ के और नीचे की तरफ जा सकता है? जिन लोगों ने यहाँ पे ऊपर के लेवल पे मर्जर की न्यूज़ सुन के इसमें इन्वेस्ट किया है, उन्होंने क्या करना चाहिए? ऐसे कौन से रीज़न है जिसकी वजह से HDFC बैंक में ये भारी गिरावट हमें दिखाई दे रही है? सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो जो है शुरुआत से लेकर एंडिंग तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन सारे 5 रीजंस के बारे में जिसके वजह से यहां पे HDFC बैंक का जो शेयर है इसमें भारी गिरावट हमें दिखाई दे रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो रीजन है वो है यहां पे HDFC की सब्सिडियरीज का। अब जैसे ही यहां पे मर्जर की न्यूज आई है तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं है, ये सब शॉर्ट टर्म के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए निगेटिव इंपैक्ट होता है इनके HDFC सब्सिडरीज के लिए, जैसे कि HDFC लाइफ और बाकी की जो इनके सब्सिडरीज है, मर्जर के बाद इनकी सब्सिडरी वीक हो जाएगी और हो सकता है इनको इनके कुछ जो शेयर है उसको भी बेचना पड़ सकता है। और ये जो अनसर्टेनिटी है उसके वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत डर है और ये जो स्टॉक है इसमें गिरावट नजर आ रही है। दूसरा जो रीजन उन्होंने बताया है वो है मेंटेन SLR, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो देखिए यहाँ पे HDFC अभी 13% का पब्लिक डिपॉजिट जो है ये होल्ड करती है, और मर्जर हो जाने के बाद इनको यहाँ पे जो ये SLR है वो मेंटेन करना पड़ेगा 18% ऑफ NDTL, यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। तो ये 13% से बढ़कर हो जाएगा 18%, लेकिन क्या ये कंपनी यहाँ पे 18% का जो ये SLR है क्या इसको मेंटेन कर पाएगी, ये भी एक डर है जिसकी वजह से यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी है वो कायम है। थर्ड जो यहाँ पे उन्होंने रीज़न दिया है वो है यहाँ पे जो कैश रिजर्व रेशियो है, क्या इसको ये होल्ड कर पाएगी? तो देखिए HDFC का पहले कुछ भी कैश रिजर्व रेशियो नहीं था। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो CRR बैलेंस है वो नील है HDFC का, लेकिन ये मर्जर जब हो जाएगा तो यहाँ पे कंपनी को 4% ऑफ NDTL इनको कैश रिजर्व रेशियो जो है ये मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर ये कैश रिजर्व रेशियो है ये मेंटेन अगर नहीं कर पाती है तो ये इनके लिए एक नेगेटिव बात हो जाएगी। फोर्थ जो यहाँ पे रीजन है वो है यहाँ पे PSL, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये बिल्डअप होगा। अब देखिए यहाँ पे इनका जो कैश टू इनकम रेशियो है ये है HDFC का 8% और जो HDFC बैंक है उसका है 37% का। और जब ये दोनों का मर्जर हो जाएगा तो इनका जो कंबाइंड एंटिटी का जो कैश टू इनकम रेशियो है ये डिक्लाइन हो जाएगा 32-34% के अराउंड के आसपास आ जाएगा, मतलब इसका जो प्रोपोर्शन है कंपनी का ये यहाँ पे घटते हुए नजर आएगा। तो ये यहाँ पे डिक्लाइन हो जाएगी 32-34% के आसपास हो जाएगा, तो मर्जर के बाद ये यहाँ पे डिक्लाइन नजर आ सकता है। और हमारा लास्ट जो यहाँ पे रीजन उन्होंने बताया है, ये जो कंपनी का मर्जर है ये बहुत बड़ा है म्यूचुअल फंड के लिए। तो देखिए दोनों जो कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी है, दोनों का अगर यहाँ पे मर्जर हो जाता है तो ये जो कंबाइंड एंटिटी है ये बहुत बड़ी म्यूचुअल फंड बन जाएगी। और अगर इस केस में ये जो कंपनी का जो थ्रेशोल्ड है अगर ये 10% के ऊपर क्रॉस हो जाता है तो कंपनी को अपने स्टॉक्स भी यहाँ पे बेचने पड़ सकते हैं। तो ये भी डर यहाँ पे है जिसकी वजह से यहाँ पे भारी गिरावट दिखाई दे रही है। अभी तो जो डील हुई है मर्जर की इसको अभी भी 18 मंथ बाकी है कंप्लीशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजर है और ये सब कुछ होने के लिए 18 मंथ तो ऐसे ही लगने वाले हैं। तो देखिए ये सारे रीजन जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए है, और अगर आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आपने तो यहाँ पे होल्ड जरूर करना चाहिए। जो नए निवेशक हैं उन्होंने यहाँ पे डिप का इंतजार करना चाहिए, और जैसे ही आपको यहाँ पे जो सपोर्ट के लेवल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले उसके आसपास अगर आपको ये स्टॉक मिलता है तो आपने यहाँ पे मंथली बेसिस पे सिप भी करके चल सकते हैं। यहाँ पे कंपनी का लॉन्ग टर्म का नजरिया अगर आप रखते हैं तो कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है और फ्यूचर में भी ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी नजर आती है। अब हम बात करते हैं HDFC बैंक के टेक्निकल चार्ट के बारे में। यहाँ पे इसका वीकली चार्ट ओपन किया है और जैसे कि आप देख रहे हैं स्टॉक जो है ये कंटिन्यूस यहाँ पे अपट्रेंड नजर आ रहा है। स्टॉक यहाँ पे अगर 20 मूविंग एवरेज अगर ब्रेक भी कर देता है तो उसके बाद जो हमारा 200 मूविंग एवरेज है वहां का सपोर्ट लेते हुए ये स्टॉक अपट्रेंड की रैली यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। अब जब यहाँ पे मर्जर की न्यूज आई थी तब इसने बहुत बढ़िया यहाँ पे पुल बैक दिया था, लेकिन जो हमारे लिए रेजिस्टेंस है जिसके लेवल है 1724 एग्जैक्टली वहां से ये रिवर्सल हमें मिला है। ये जो रेजिस्टेंस है ये वो क्रॉस कर ही नहीं पाया और वहां से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर
दिखाते हुए इसने ये जो कैंडल बनाई है ये है इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो कि बियरिश इंडिकेटर है और वहां से ही ये जो स्टॉक है नीचे की तरफ फिसलते हुए नजर आ रहा है। अब आगे क्या, तो देखिए हमारे पास इसने ये जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है एक सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट हमारा यहाँ से टूट जाता है तो उसके बाद ये जो स्टॉक है 1300 के लेवल भी यहाँ पे दिखा सकता है क्योंकि ऑलरेडी इसने ये जो हमारा सपोर्ट है ये तोड़ दिया था, उसके बाद यहाँ पे फिर से पुल बैक आया लेकिन जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से ये नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो अगर ये यहाँ पे 1300 के लेवल के आसपास आता है तो यहाँ से एक पुल बैक देने के चांसेस है क्योंकि जो स्टॉक है बहुत ऊपर के लेवल से नीचे की तरफ आया है। तो देखिए हमारे लिए ये तो 1300 का एक सपोर्ट है, अगर ये भी सपोर्ट हमारा टूट जाता है तो उसके बाद हमारे पास जो लेवल है वो लेवल है 1000 के आसपास, मतलब अगर ये हमारा 200 मूविंग एवरेज है अगर इसका भी ब्रेकडाउन देता है तो उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट है 1135 का, अगर वो भी यहाँ पे सस्टेन नहीं करता तो उसके बाद हमारे लिए 1000 के आसपास के जो लेवल है वो भी दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको लॉन्ग टर्म के नजरिए से रहना है तो मंथली स्लिप के हिसाब से छोटी छोटी क्वांटिटी में आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं जो स्टॉक है यहाँ पे वीकनेस है, यहाँ पे स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है, तो अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं तो जब तक ये स्टॉक है यहाँ पे कंसोलिडेशन होके या फिर वहां से रिवर्सल साइन नहीं दिखाता तब तक अगर आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप उसके हिसाब से भी अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो प्लान कर सकते हैं। इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो देखिए इसने ऑलरेडी 20 मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन दे दिया है, यहाँ पे वॉल्यूम्स अगर आप देखते हैं तो सेलर्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और उसी के साथ यहाँ पे कोई भी बुलिश इंडिकेटर नज़र नहीं आ रहा है। हमारा RSI जो है यहाँ पे 42 के आसपास है तो अभी के लिए शॉर्ट टर्म के ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं नज़र आ रही है, तो इसीलिए एक तो आपने वेट करना चाहिए या तो फिर ये जो स्टॉक है उसको सेटल होने देना चाहिए क्योंकि ये जो यहाँ पे मर्जर की न्यूज़ है उसको 18 months लगने वाले हैं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा और बहुत लंबा टाइम है कि आप इसमें मंथली स्ट्रैटेजी के हिसाब से डिप में यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा रिसर्च एंड एनालिसिस, अगर आपको भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना है आपकी तरफ से भी यहाँ पे आपने जरूर स्टडी करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।